आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में भारत के लोकेश राहुल चौथे पायदान पर मौजूद, विराट कोहली 10वें नंबर पर। गेंदबाजी रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के थर्वे शमसी पहले नंबर पर, दूसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड। रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र और मुंबई का 17 फरवरी को होगा आमना सामना। आज इनके रहाणे और चेतेश्वर पुजारा खेलेंगे एक दूसरे के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के माइकल नेसर इंजरी की वजह से पाकिस्तान दौरे से बाहर हुए, मार्च में टेस्ट और वनडे सीरीज खेलेंगे दोनों देश। आईपीएल में मोटी रकम मिलने के बाद निकोलस पूरन ने दी पिज्जा पार्टी, 15,000 का आया बिल। सनराइजर्स हैदराबाद ने पूरन को 10.75 करोड़ में खरीदा था। भारत के मोहम्मद आरिफ खान का बीजिंग विंटर ओलंपिक में सफर खत्म हुआ, आरिफ अपने दूसरे मेंस स्लैलम इवेंट में आगे बढ़ने में असफल रहे। भारत की सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की लूसी हरडीका की जोड़ी ने दुबई ओपन में शानदार खेल दिखाया। इस जोड़ी ने वुमेन्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम को पहले मैच में साउथ कोरिया से मिली हार, भारत के लक्ष्य सेन जियोन ह्योगजिन से हारे। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच यानेक शोपमैन ने कहा कि प्रो लीग से टीम को काफी मदद मिलेगी क्योंकि आगे भारतीय टीम को काफी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने हैं। फ्रेंच ओपन और विंबलडन से बाहर हो सकते हैं सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। नोवाक ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं ली है। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ।